राम अगर क्षत्रिय वंश में पैदा हुए और वो क्षत्रिय कुल को स्वीकार कर लेते तो राम जी का नाम क्या होता, बता पूरा नाम। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कालीजा कट वाले बाबा, मैंने होठों से पहचान लिया आपने क्या कहा है, है? क्या होता नाम? भरचट्टी में कुछ है दो चार घर क्षत्रियों के, ठाकुरों के हैं, उनके नाम के आगे क्या लगाते हैं वो? वही राम जी लगाते हैं। फिर राम सिंह दशरथ सिंह, राम सिंह दशरथ सिंह पधार रहे हैं, पर उन्होंने कहा कि नकली सिंहों से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। सर्वम हिताय कृतो मूलम जाताम प्रपद्यते ताम, जो राम के वंशज हैं वो कभी अंडा मांस खाते नहीं है। क्या नहीं खाते? दारू पीते नहीं है, तमाकू खाते नहीं है। जिनको भी अंदर घमंड हो राम जी के वंश के, हम वो अंडा छोड़ो दारू छोड़ो, मैं भी घमंड करूंगा फिर तुम्हारे ऊपर। शादी में कटरा, बर्थडे में कटरा, सब जगह कटाई बाज रही है। बड़े बेटे का शादी हो रही है, 10 काट दिए बकरे, धाड़ 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 धाड़। और पूछो तो फिर कहते हैं हमारे, अगर ये नहीं कटा तो फिर हम वो कैसे कहलाएंगे? अरे ना 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 ना, राम जी के वंशज हो तो कम से कम राम जी के चरित्र को ठीक से पढ़ो। अब तो सरल भाषा में रामायण है तो पाइया है, जिसको संस्कृत भी न पढ़ती आती हो तो वो हिंदी में ले आओ, हिंदी भी न पढ़ती आती हो तो बुंदेलखंड में ले आओ, नहीं तो अवधि में तुलसीदास जी के डायरेक्ट अवधि भाषा में ले आओ, कोई ना कोई भाषा से समझ में आ जाएगा कि राम जी का चरित्र क्या है। असली बनो, मैं ये कहना चाहता हूँ, असली क्षत्रिय जो होता है वो कभी हिंसा में कोई रुचि रखता नहीं है। असली ब्राह्मण जो होता है वो किसी भी लालच में किसी को छोटा बनाने में रुचि रखता नहीं है। असली वैश्य जो होता है वो बेईमानी में कोई रुचि नहीं रखता है। और असली जो शूद्र है वो किसी से आंख चुराने में, काम चुराने में रुचि नहीं रखता है। असली शूद्र ही वही होता है जो सबकी सेवा करने का लालच रखता हो, माता की, पिता की, पूर्वजों की, राम की, राष्ट्र की जो सेवा करे वो असली शूद्र है। तो शूद्र माने कोई नीच जाति नहीं, शूद्र माने ब्राह्मण से भी ऊंचा कोई जाति जो सबकी सेवा करे। सबकी सेवा करे, बोलिए। तुम लोगों की अज्ञानता से ही तो तुमने जाटियों को सब खराब करके रखा है, हिंदू धर्म को बर्बाद कर दिया है तुमने ही। तो जो अपने आप में बड़े बनते हैं उन्होंने ही ऊंच नीच के भेद डाले सबसे ज्यादा। हिंदू होकर के ऐसा कर दिया है कि एक दूसरे की हवा पसंद नहीं आ रही है, भाषा पसंद नहीं आ रही है। इतनी मार धाड़ ऊंच नीच की, भेदभाव की और वर्ण की, कि उसकी वजह से हिंदुओं में प्यार का कोई जगह नहीं बची है महाराज। हिंसा हिंसा फैली हुई है, अंदर ही अंदर हम मर रहे हैं। दूसरा मजहब, दूसरी संस्कृति तुम्हें तब मारेगी जब तुम बचोगे पहले खुद। आपस में ही मर जाएंगे ऊंचा नीचा करने में। राम जी ने जाति पाति को मिटाने के लिए ही जानबूझ के, राम जी ने निषाद के घर में निवास किया, जानबूझ के भील के घर में निवास किया, जानबूझ के धोबी की बात को माना, क्योंकि राम ये बताना चाहते हैं दुनिया में ऊंच नीच कुछ नहीं होता, दुनिया में काम से बड़ा कुछ नहीं होता है, काम कभी कोई छोटा होता नहीं है। काम की बदौलत हमने छोटा कर दिया किसी को, बता। अच्छा तुम ज्यादा होशियार हो ना तो जरा तुम बड़े होके बताओ, जिन कामों को लोग स्कूल बिना जाए करते थे अब वो काम कॉलेज करके करना पड़ता है, बोलो, कल्पना करो। जूते की डिजाइन बनाने के लिए इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, और ये काम तो हमारे जो हिंदू लोग हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, जिनको हमने नीचा कर दिया, छोटा कर दिया, वो घर बैठे तुम्हारे ही गाय को उठा के, तुम्हारी भैंस को उठा के, काट के उसकी चमड़ी बना के, घर में जूता बना के तुमको पहनाते रहे, तुमने सम्मान उनको नहीं दिया, ये तुम्हारी गलती है। और अब तुम्हारे बच्चे जूता बनाना जानते हैं तो इंजीनियर बनना पड़ता है उनको। बोलो ना, एक बार बोलो ना कि महात्मा तू सही कह रहा है, बिल्कुल सच कह रहा है। हमने खुद ही तोड़ रखा है हिंदू धर्म को, हमने खुद ही मैट रखा है हिंदू धर्म को। बोलिए ना,
है? आप बेमित्रा जाइए, बेमित्रा, बेमित्रा में दुकान के ऊपर लिखा है त्रिपाठी शोरूम। काय का शोरूम है? सूज, फुटवेयर। त्रिपाठी जी का सूज का दुकान है। किसका? सूज का, जूता चप्पल बेच रहे हैं। बोलो, उस पर लिखा हुआ है शोरूम के ऊपर ठाकुर इलेक्ट्रिकल। फ्रिज बेच रहा है, पंखा बेच रहा है, क्या बताऊं बताओ है? कर्म छोटा नहीं होता और कर्म से कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा। हाँ, यम ब्रह्मनम तम पुरुषस्य। कर्म का मतलब काम। घास खोदने वाले को कोई नीचा कहो, फिर मैं बताऊंगा कौन नीचा कौन ऊंचा है। अच्छा बोलो, सब लोग अपने अपने खेत में से घास निकालते हैं कि नहीं? तो कौन छोटा हो गया भाई? अच्छा बोलो, अपने पेट में से जो गंदगी निकलता है उसे कौन धोता है सुबह? पहले पंडित जी बताओ, फिर क्षत्रिय बताओ, फिर बनिया बैठे होंगे वैसे बताओ। बोलिए, लेटिन घर में कोई बीमार हो जाए, 4-6 महीने 10 महीने बिस्तर पे ही करता हो, 3 बेटे हैं, मम्मी की बीमारी को 3 बेटे में से 2 देखते नहीं है, 1 बेटा मम्मी को 6 महीने लगातार उसकी लैट्रिन धोता है, मूत्र धोता है, उसके कपड़े धोता है, तो पूरा गांव क्या कहता है बाद में कि इसके 2 बेटे बड़े नीच, 1 बेटा बड़ा सपूत, बड़ा ईमानदार, उसने माँ की सेवा की, लैट्रिन डाली, मल डाला, मूत्र डाला। जब मैं कहना चाहता हूँ मल और मूत्र को धोने वाले अगर गाँव में प्रशंसा पाते हैं तो फिर तुम्हारे मल मूत्र ढोने वालों को तुमने नीच कैसे कहा? बोलो ना, जवाब दो। तुच्छ कह दिया तुमने, हट हट, घर मत चढ़ जाना, तू घर पे मत आ जाना, बासी रोटी डाल दी उसकी छबड़िया में, बासा साग डाल दिया, और लैट्रिन धुलवा रहे, गोबर उठवा रहे, और बाद में कहते हो नीचा है वो। ना, ऊंच नीच और भेदभाव की, ऊंच नीच और भेदभाव की दीवारों को तोड़ो, बदला जमाना प्यारे हिंदू, अब तो तुम भी बदलो। बहुत हो गया, बदलो अब जाति पाति वर्ण व्यवस्था को भूल करके, अब केवल हिंदू हैं हम, ये कहना शुरू करो। अब अटर पटर करोगे तो अब तुम्हारी दुकान ज्यादा जमने वाली नहीं है, अब तुम्हारे सामने विरोध खड़ा हो चुका है, नुकसान हो जाएगा। इसीलिए जब तुम्हारी संस्कृति का विरोध हो तब समझ लो कि हमें अब संगठन की जरूरत है। जो भी गरीब अमीर हैं, जो भी छोटे हैं, जिनको तुमने दुदकारा फटकारा, उन्हें मनाओ और अपने आप में शामिल करो और साथ लेके चलो, क्योंकि सबकी जरूरत होती है हम सबको। आपके पास में 100 बीघा जमीन है, आप जमींदार हैं, बड़े गांव में लोग हैं, तो आपके यहाँ अगर गरीब आदमी न होंगे गांव में तो खेती तुम्हारी 100 बीघा हो सकती नहीं है। चाहे कितनी भी ऑटोमेटिक मशीन ले आओ, पर मजदूर चाहिए चाहिए चाहिए, और वो चाहिए तो उसे गले लगाइए, उसे प्यार कीजिए, तब वो तुम्हारा काम करेगा, तब तुम जमींदार रहोगे। नहीं तो भाई साहब, जमींदार यूं ही मुंह फाड़ के पड़े हैं, खेत पड़ी है जमींदारों के, खाने के लाले पड़े हुए, क्योंकि काम होता नहीं और राम लेता नहीं। और जो मजदूर काम करते थे वो अब आते नहीं, क्योंकि वो अब व्हाट्सएप पे, सैटेलाइट पे, इंटरनेट पे सब देख रहे हैं कि हमें 60 साल पहले बड़ा अपमान हुआ है, हम इनके यहाँ अब काम नहीं करेंगे, चाहे भूखे मर जाएं। इसीलिए अब कोरी ठकुराई से कुछ नहीं होगा, अब कोरी छत्रत्व से कुछ नहीं होगा, अब कोरी सेठागिरी से कुछ नहीं होगा, अब केवल ब्राह्मण बनने से कुछ नहीं होगा, अब हम सबको एक दूसरे को ठीक से समझना पड़ेगा। सामान लाओ, सबको साथ लाओ, देखो मजबूती कैसी बनती है। अच्छा ईमानदारी से बताना, कोई आप सब लोगों में बताना, आप लोगों में से कोई विधायक के लिए खड़ा हो जाए और आपका जो है आप बनिया है, तो क्या बनिया के वोटों से जीत जाओगे? नहीं। आप ब्राह्मण है तो क्या ब्राह्मण के वोट से जीत जाओगे? आप क्षत्रिय है, ठाकुर है, तो क्या ठाकुर के वोटों से जीत जाओगे? नहीं। तुम्हारी शक्ति बढ़ाने के लिए हमें सब सातों जातियों के वोट चाहिए। शक्ति तब बढ़ती है, तब आदमी का विकास होता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। इसीलिए सबको साथ लेके चलने की बात भगवान वेद कह रहे हैं, संकक्षद्वम संबद्धद्वम संभु मरांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समझाना नाम उपासते।
सबको साथ लेके चल। शक्ति बढ़ाने के लिए सब चाहिए है। अछूत कौन है? अगर मुझे कोई पूछे तो मैं तुम में से अछूत बताऊंगा किसी न किसी को है। मेरी नजर में वो अछूत है, मेरी नजर में वो अछूत है जो राम को मानता है और मांस खाता है, दारू पीता है, जुआ खेलता है। मेरी नजर में वो अछूत है।